सरिया व्यापारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नशीला इंजेक्शन लेने का आदि था युवक, परिजनों ने नशा करने से रोका तो युवक ने आत्महत्या कर ली। दरअसल मार्तन नगर में रहने वाला सादिक खान नामक युवक पिछले लंबे समय से नशा कर रहा था। कुछ समय से वो ड्रग्स का आदि हो गया था और नशीला इंजेक्शन लेता था। परिजन अक्सर इस बात का विरोध करते थे। मंगलवार रात भी परिजनों ने उसे नशे न करने की समझाइश दी, लेकिन वो नाराज होकर अपने कमरे में चला गया और फांसी लगा ली। हालांकि युवक के नशे का आदि होने के कारण उसके परिवार के लोग भी उससे परेशान रहते थे। पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही मृतक का मोबाइल जब्त कर कॉल डिटेल इत्यादि की जांच कर ये पता भी लगाया जाएगा कि आखिर मृतक नशीला ड्रग्स किससे खरीदता था। पुलिस अब उक्त ड्रग पेडलर और एजेंट को भी जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। नशा करता था, इंजेक्शन वगैरह लगाता था कुछ। कितने सालों से ये कर रहा था? ये कम से कम 4-8 साल से कर दिया था। दवा गोली तो बहुत करवा की कोशिश करी और करता ही नहीं था। भग भग जाता था वो, गर्मी भी बहुत रखा नहीं रही। घटना के वक्त कौन कौन था वहाँ पर? घटना के वक्त उनकी मिसेस और उनकी बीवी ये सब खाना खा रहे थे, तो उनको जो किया उन्होंने कि खाना खाला कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं खा रहा, उस वक्त भी नशे की हालत थी। कितने सालों से नशा कर रहा था? कम से कम 4 साल। चार? अच्छा, फिर क्या खाना खाने की बात फिर क्या हुआ? उन्होंने बोला अभी मैं नहीं खा रहा, और उनकी मिसेस खाना खा रही थी, फिर उनकी सास खाना खा रही थी। वो गया कमरे में, दरवाज़ा लगाया अंदर से, और उन्होंने ऐसी लगा ली। किसी बात को लेकर डिप्रेशन में हो या नहीं? कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। माँ बाप से भी कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल से भी पी वाले किसी से कोई कुछ भी नहीं। उसको खाली यही लत थी, नशे की लत। नशे की लत? किस तरह का नशा करते थे कुछ जानकारी? ये इंजेक्शन वगैरह भी इसकी जानकारी नहीं है मेरे को। इंजेक्शन नहीं लेता था। इंजेक्शन लेते थे? इंजेक्शन लेते थे वो लगाने का। अच्छा, तो कंटिन्यू ले रहे थे ये? कंटिन्यू ले लिया, घर वालों से छुप छुप के ले लिया था। हम लोग भी पकड़ पकड़ के बांध बांध के थक गए। कोई नशे के कारोबारियों के संपर्क में हो या कोई नाम बताया हो आपको कि ये लोग हमको कुछ भी नहीं है, कोई परेशान कर रहा हो पैसे को लेकर? कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। काय का काम का? साइन का, सरिया सेंटिंग का काम करते थे। सरिया सेंटिंग का? कॉलोनी कहाँ पे रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? हम यहाँ इंदौर के चंदन नगर के रहने वाले हैं। मृतक कहाँ का रहने वाला? मृतक का वहाँ पर एरिया था, वो चौथान के सामने कौन सा एरिया है? हाँ नहीं नहीं राजीव नगर के पुलिया में, वो गड़बड़ी की पुलिया के पास नहीं, गड़बड़ी की पुलिया के पास में वहाँ रहता था। मार्तन नगर? मार्तन नगर में। हाँ वहाँ रहेगा। तो परिवार में कौन कौन इनके मृतक है कि नशे की लत के कारण वो उसने सुसाइड कर लिया? ये थाना राजेंद्र नगर पर आज सुबह इन्फॉर्मेशन मिली है कि मार्तंड नगर में एक सुसाइड हुआ है। 26 साल का एक युवक है। अभी उसकी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल रवाना कर दी गई है। परिजनों के से जो प्राथमिक अभी चर्चा हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि वो ड्रग्स लेने का आदी था और उसी कारण उसने ये सुसाइड किया है। हालांकि ये बेहद एक प्राथमिक स्टेज में है, इसको वेरीफाई किया जा रहा है, और अगर ये पाया जाता है तो उसका मोबाइल वगैरह की डिटेल्स निकाल कर किसके थ्रू वो खरीदता था, किन से वो लेता था, उनके बारे में भी जाँच पड़ताल की जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।